Hi everyone, this is Kesha and he's Kano. Welcome to Mimi family. We love you Seymour and we love you Himat even more. Christmas tree, been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Still drive me crazy. Tradition we celebrate. दोस्तों कैसे हाल चाल है आपकी, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देखिए, डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। सो 12 बज चुके हैं, मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे टास्क फिनिश करने हैं और मुझे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट पे जाना है उसके बाद। डिनर ऑलरेडी मैंने बना लिया था अर्ली ही, उसे मैं संभाल के रख देती हूँ। बाहर जाने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि मैं मेरी किचन को क्लीन करके जाऊँ। अब बर्तन हम माँ के साफ करेंगे, उस किचन का ही हम करेंगे। ऑल राइट, तो मैंने मेरी किचन को थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया क्योंकि जब बाहर जाती हूँ तो वापस आने से पहले मुझे लगता है कि अच्छा है अगर किचन क्लीन हो। तो हिम्मत खा रहा है लंच, 12 बज गए हैं, उसको अर्ली ब्रेक ले ली है उसने। और लंच फिनिश करने के बाद इसको मैं भूमि के घर छोड़ने वाली हूँ, उसके बाद मुझे जाना है हिम्मत के स्कूल सबसे पहले। सो मैं अपना सारा सामान सेटल कर लेती हूँ और आपको मिलूँगी गाड़ी में बैठने के बाद। ओके दोस्तों, तो हिम्मत के स्कूल में हमारा काम नहीं हुआ है क्योंकि वो किसी को नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ओपन नहीं करेंगे डोर, ऑनलाइन मीट करके सारा कुछ करना पड़ेगा। सो दैट्स अ न्यू थिंग नाउ, यस दैट्स अ अपडेट। और हिम्मत को मैंने उसकी दोस्त के घर छोड़ दिया है। हिम्मत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और आज हिम्मत को वहाँ पर काफ़ी देर रहना पड़ सकता है क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट, दो अपॉइंटमेंट्स हैं आज, तीन हैं एक्चुअली। मेरा टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है एंड मुझे डॉक्टर के साथ बाद में कंसल्ट भी करना है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैं मेरी अपॉइंटमेंट पे पहुंच चुकी हूँ, 1:15 पे पहुंची हूँ मैं। मेरी अपॉइंटमेंट 35 पे है और मैं जल्दी पहुंच गई हूँ। थोड़ा सा यहीं पे बैठती हूँ 5-7 मिनट, फिर अंदर जाऊँगी। और जो मेरी डॉक्टर कंसल्ट करने वाली थी मेरे साथ अल्ट्रासाउंड के बाद, उसे किसी इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ गया है। सो कोई और डॉक्टर स्विच कर रहा है अभी, उनकी कॉल आई थी। दैट्स ओके, मैंने कहा कि मैं किसी और डॉक्टर के साथ भी बात कर लूँगी क्योंकि जो डॉक्टर मुझसे अब बात करने वाला है उसने मेरे साथ पहले भी बात की है, लाइक मैं उसे जानती हूँ। तो अब ये नहीं है कि मेरी डॉक्टर चली गई है तो मैं कहूँ कि ओ गॉड मुझे उसी से मिलना है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, और फिर आऊँ, नहीं आऊँगी मैं दूसरे डॉक्टर के साथ ही मिल लूँगी। सो या यही है अपडेट। कैमरे को मैं अंदर नहीं लेके जाने वाली हूँ, मैं उतर जाके मूवीज़ बनाऊँ, इट्स ऑकवर्ड। और कैमरे को यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी और आके आपको अपडेट दूंगी। पार्किंग बहुत अच्छी जगह पे मिली है मुझे, यहाँ पे पार्किंग है और वहाँ पे क्लिनिक है। सो इस वजह से मुझे कोट पहनने की ज़रूरत नहीं है, भाग के अंदर चली जाऊँगी मैं। सो यस, आपको अपॉइंटमेंट के बाद ही मिलती हूँ। अगर कोई अच्छी खबर, बुरी खबर कुछ भी मिलेगा वो आपको बताने वाली हूँ मैं। चंगा दोस्तों, अपना ख्याल रखें, जब तक मैं वापस आती हूँ कुछ खा पी लें। और मेरे लिए तो मैं वापस 1-1.5 घंटे में आऊँगी, आपके लिए मैं वापस अगले ही पल आ जाऊँगी, ऐसे जाऊँगी ऐसे आ जाऊंगी। सो आप जस्ट चुटकी बजाएं, आई विल बी बैक। टाटा। ओके दोस्तों, तो मैं आ चुकी हूँ मेरी अपॉइंटमेंट से वापस। डॉक्टर के मुझे कॉल आने वाली है कुछ देर में, तो मैं यहीं पे पार्किंग में वेट करूंगी क्योंकि गाड़ी चलाते हुए मुझे कॉल उठाना अच्छा नहीं लगता है। सो यस, डॉक्टर के साथ बात होगी, अब हमारा यहाँ से डन है। हम जाएंगे स्टारबक्स, उसके बाद मैं जाने वाली हूँ कलर कॉपीज करने के लिए स्टेपल्स में या कहीं पे भी, और देन हम डायरेक्ट होम जाएंगे हिम्मत सेठ को पिक करने के लिए। और यस, यही प्लान है हमारा फिलहाल के लिए। ओह गॉड, आई फॉरगॉट समथिंग। सो मैं जा रही हूँ स्टारबक्स, इतने पंग पूछ रही है दोस्तों। कैन आई गेट अ ग्रैंडे साइज मोका? ग्रैंडे मोका? यस, विद व्हिप क्रीम। विद व्हिप क्रीम? एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक? कैन आई गेट अ चॉकलेट ब्राउनी वार्म? योर नेम? सिमोर। हाउ डू यू स्पेल? S-I-M-O-R. How sweet the... Hey guys. So I'm back. बाहर की दुनिया ऐसी है दोस्तों, ना बंदा ना बंदे की जात, ढूंढनी पड़ेगी आपको, आराम से नहीं मिलेगी आपको। सबसे पहले हैंड्स सैनिटाइज करें एंड देन अगला काम करें, मास्क रिमूव करें अगर करना चाहें तो।
ओके दोस्तों, बाहर देखें कि वैसे ये जो एरिया है भरा रहता है और कुछ भी नहीं है बाहर, खाली, बिल्कुल खाली। स्केरी है ना, बहुत स्केरी है। मैंने लिए चॉकलेट ब्राउनी, इनकी चॉकलेट ब्राउनी मुझे बहुत अच्छी लगती है गर्म, और एक दिन मैंने बेक भी की थी घर में, अच्छी बनी थी। मैंने मौका लिया है आज, क्योंकि मैंने मौका लिया है क्योंकि जब क्रिसमस का समय आता है तो चॉकलेट, आई डोंट नो, हॉट चॉकलेट, मार्शमेलोस, क्रीम बहुत अच्छी लगती है। मजा लेके पीने वाली हूँ मैं, पांच दौड़ नहीं करेंगे, लाइक 5-10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं। सो गुड, बहुत बढ़िया है। ग्लासेस पहन ली हैं और हस्बैंड की ग्लासेस मेरे चेहरे पे बहुत ढीली हैं और नीचे जा रही हैं बार बार, पर लाइट से नहीं दिख रही थी मुझे, इतनी ज्यादा रोशनी मेरे आंखों पे पड़ रही है। समय हो गया है 2:43 और मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो हमारे घर के बिल्कुल पास है फोटोकॉपी का प्लेस स्टेपल्स, वहां पे जाऊंगी इधर उधर जाने के बजाय, सो ताकि मैं हिम्मत को पिक कर लूंगी लेटर। सो दैट्स नाइस एंड सेफ एंड कोजी। सो या यही प्लान है मेरा, ये सिंपल सादा मेरा प्लान, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। ओके, हुन सूरज उधर आ गया। चंगा दोस्तों, फिर मिलते हैं। मैंने मेरा रेड स्वेटर उतार दिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी मुझे। सनी अच्छा है पर टेम्परेचर बाहर -2 है, तो इस सन का भुलेखा मत खाएं। और ये मैं सोचा कि बहुत मजेदार है बला बला, कोई मजेदार नहीं है, बस गाड़ी में गर्मी लगती है। चंगा दोस्तों, बाय। ओके दोस्तों, तो फोटो कॉपीज करा के मैं वापस आ चुकी हूँ। ये स्टेपल्स के सामने वॉलमार्ट भी है और मैं कुछ चीज़ें वॉलमार्ट से लेना चाहती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद ले लूँ, हिम्मत को जल्दी से जल्दी पिक कर लेती हूँ। यार आई एम मिसिंग हिम और पता नहीं वो कैसे होगा। सो यस, घर चलते हैं, उसको स्किप करते हैं। या सो लेट्स गो। ओके दोस्तों, तो मैंने हिम्मत को पिक कर लिया है, इससे कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिम्मत, हाउ वाज योर प्ले डेट? फन। यू मिस मम्मा? Yeah. Okay, दोस्तों झूठ बोल रहा है। इसे मैंने पूछा कि तुम्हें मम्मा को मिस तो नहीं क्या करा? नहीं, मैंने कहा कि बोलना होता है कि हाँ मम्मा मिस किया। मम्मी ने मिस किया? गुड जॉब। नाउ यू हंग्री? ओके, चेंज योर क्लोथ्स, फर्स्ट वॉश योर हैंड्स, देन चेंज योर क्लोथ्स।
एंड हेलो स्वीटहार्ट्स, यो घर हिम्मत को मैंने पिक कर लिया है बहुत ही क्विकली. हिम्मत ऑलमोस्ट रेडी था, उसका सारा सामान घर के आगे उसने इकट्ठा करके रखा था, तो जल्दी से हम घर पे आ गए. बहुत भूख लगी है मुझे और मैंने सिर्फ वो ड्रिंक ही पी थी मोका, और अब मैं बहुत खुश हूँ कि बिरयानी बनी हुई है, वही मैं खाने वाली हूँ थोड़ी सी सैलड के साथ. 4:30 हो रहे हैं, हस्बैंड भी आने ही वाले हैं और देन हम चाय पी लेंगे. देखते हैं, यही मेरा लगता है मुझे डिनर होने वाला है आज. बहुत भूख लग रही है. मिमी यू वांट टू ईट लिटिल बिरयानी? कह रहा कि पहले मैं कुछ पीना चाहता हूँ जो अनहेल्दी हो. सोडा? नो सोडा, ऑरेंज जूस. ऑरेंज जूस दिनी है. तेरा कितने है कप? बॉटल है क्या? ओके, हिम्मत खाना नहीं चाहता है, पीना चाहता है, तो मैं उसे ऑरेंज जूस देने वाली हूँ. कह रहा कि मैंने पानी भी नहीं पिया वहाँ पे अच्छी तरह, सो ऑरेंज जूस पिएगा वो. है वो हिम्मत. मैं बिरयानी खाऊंगी, सैलड खाऊंगी और रिलैक्स करूंगी थोड़ी देर. कुछ टीवी पे देखती हूँ जब तक पति आगे उछल कूद करेंगे, उससे पहले थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं. ओके, मैं मेरे राइस को गर्म कर रही हूँ और ये मेरा सैलड है और मैं ये सारा सैलड खा जाऊंगी और राइस कम खाऊंगी और सैलड से अपना पेट भर लूंगी. ओके दोस्तों, हस्बैंड घर आ चुके हैं और हम पीने वाले हैं चाय. मैंने ये ब्लैक टॉप लिया है ज़ारा से और एक और लिया है, वो भी बिल्कुल सेम ही है, पर उसमें बेल्ट है, स्लीव सेम ही है, गला राउंड है, बिल्कुल सिंपल है. मैं सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कपड़े पहनती हूँ, लाइक ब्लैक टॉप मेरे पास सबसे ज़्यादा मैं ब्लैक टॉप पहनती हूँ और मेरे पास है एक दो ही हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. सो मुझे और लेने चाहिए, इसलिए मैंने ये लिए हैं बॉक्सिंग डे सेल पे. 10 or 15 का आया था ये, पर ये थोड़ा गर्म किस्म का है और इसको आप लेयर कर सकते हैं अगर आप कुछ भी ड्रेसअप करना चाहते हैं, तो ऐसे पीसेस बहुत हैंडी आते हैं क्योंकि ये लेयरिंग के काम आते हैं. गाइस, मैंने चाय बनाई और चाय फट गया, पता नहीं क्यों, दूध ख़राब है. इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा हुआ, दोबारा बनाऊँ क्या करूँ. ओके दोस्तों, तो चाय फट गई जैसे मैंने आपको दिखाया, पता नहीं दिखा होगा या नहीं, और मेरा भी चाय पीने के लिए इतना मन नहीं था और हस्बैंड का भी नहीं, और चाय ने भी हमारा साथ छोड़ दिया. तो अब मैं बनाने वाली हूँ फ्राई. तो हस्बैंड ये फ्राइज लेके आए थे, इसको बनाते हैं एयर फ्रायर में. दो चीजा बिना नहीं रह सकता. मैं चाहती हूँ कि थोड़ी जी थोड़ी वीडियो बने, थोड़ी जी तनु अनकंफर्टेबल करके. बड़ा ही मजा आता, बड़ा ही. यार मैं टीवी दे रहा हूँ. टीवी तो 10 गुना बढ़िया तो दिखा रहा है. और बार देखो कर रही तो इतने जाना प्रोग्राम खत्म हो गया. Could have been a painter, could have studied law. Instead you are my paintbrush, you're my curriculum. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I prayed to watch you stand up there and gave you all the power. दोस्तों, तो हमारा डिनर हो चुका है. मैंने नहीं खाया क्योंकि मैंने आते ही थोड़े से राइस खाए थे और मुझे भूख नहीं लग रही है. और मामा, यू रिमेंबर समथिंग? देन आई वांट पिज़्ज़ा. यू सेड वी कैन बाय पिज़्ज़ा. ते बाय कितना देगी कल? यू सेड मामा वी विल बाय पिज़्ज़ा. कितना देगी कल? व्हाट पिज़्ज़ा यू सेड? तो कल खाता था. दोस्तों, तो हमारा डिनर हो चुका है और मेरे पति के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है,
और आई एम नॉट फीलिंग वेरी गुड, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। ओके सो मैं जा रही हूँ गर्म गर्म पानी का बाथ लेने के लिए, एप्सम सॉल्ट डालिए तो मैं थोड़ा अच्छा फील करूँगी। और आज मैं वीडियो एडिट नहीं करने वाली हूँ क्योंकि कल रात को भी मैं बहुत अच्छा सो नहीं पाई क्योंकि पति अद्धी रात नु पुतांगो को मन है की करन दे यार ते राती कल राती तू कदी विंडो खड़ी हो के बाहर वेखने राती सुनो पैगी मैं कपड़े सुकने लाउन गया ही उत्ते कोठे तू जदो बहुत तू थल्ले आने थोड़ा बंदा साइलेंट आए दुडूम 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 आंदे अद्धा जिदा दिन हुंदा किदा तू थल्ले दवाई खान आए मैं तो डब्बे पे आया डब्बे पे नहीं तू ही अद्धा है जिवें पति ने बहुत परेशान किया रात कल मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी बार बार उठ उठ के घूम ही जा रहे थे और क्योंकि उनकी शोल्डर की पेन कल भी ठीक नहीं हुई थी आज थोड़ी बेटर है या आज बिल्कुल ठीक है क्योंकि कल बिल्कुल ठीक नहीं है तू ये दर्द देखने है दर्द करने नहीं नहीं थोड़ा देखने अच्छा आज बेटर है पर रात को दर्द होने की वजह से ये घूम घूम रहे थे और वैसे भी कल मैंने वीडियो एडिट की क्योंकि आज जाना था मुझे जल्दी तो मैंने बहुत रात तक काम फिनिश किया। अराउंड 1:30 बजे ऊपर गई तो फिर उस बाद रेना ने पहला बढ़िया पाइया फिर रात एंड ऑफ स्टोरी कहानी जाके सुना लेना तो ही मेनु चाहिए मेरे ना गवाह झूठ तूफान जरा बोलना उत्ते जाके बोल क्यों बंदा गवाह चाहिए ना और तू ही अगर तू झूठा तो कोई बोल दो बोल मम्मा लिसन मम्मा यू नो देन आई वाज मी डैडी वोक मी ही जस्ट वेक अप मी तेनु बिठा दे डैडी ने देन आई कीप पुशिंग एंड मिनी बट ही कीप इन ड्रॉपिंग ओ यार मेरी यार तेनु किचन में तेनु किचन में इन उठ के दादा देखा कि होया की है एंड यू रिमेंबर यू पुश मी आई पुश यू या यू पुश मी But I never did that. So यार दोस्तों end of story है कि कल रात अच्छी नींद नहीं आई शायद इसीलिए मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है सो मैं जा रही हूँ रिलैक्स करने और थोड़ा स्किन केयर करूंगी मास्क लगाऊंगी थोड़ा यू नो की कहते हैं सेल्फ केयर करूंगी ताकि आने वाले दिनों के लिए तैयार हो जाऊँ क्योंकि मैं रेस्ट करके बिल्कुल आराम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कल भी ब्लॉग करना है सो यार बहुत बिजी होने वाली हूँ मैं सो आराम अपना सेल्फ केयर करने के लिए जा रही हूँ ओके दोस्तों तो हस्बैंड को घेर के कभी कभी मैं उनको पुच्ची कर लेती हूँ पर उनको अच्छा नहीं लगता है और अगर आपके पति भी ऐसे हैं तो बताना मुझे तो मैंने कुछ चीज़ें ली थी विनर से कुछ दिन पहले और आपके साथ शेयर नहीं की हैं फेस एंड ब्रो रेजर सेट ये है 6 रेजर्स एंड $6 में आई थिंक इतने में ही अमेजोन से मिलते हैं तो ये मैंने पहले वहाँ पे कभी नहीं देखा तो पहली बार देखा तो ये लिया है मैंने क्योंकि मैं मेरे फेशियल हेयर को रेजर से रिमूव करती हूँ वंस अ मंथ ऐसे रहने देती हूँ कई बार पर वंस अ मंथ करती हूँ अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे इसके बारे में क्या विचार है फेशियल हेयर रेजर से रिमूव करने की उसकी मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी सब देख सकते हैं। अगली चीज़ मैंने ली है ये चारकोल जो कि है एक्टिवेटेड चारकोल इसको आप फेस मास्क के लिए यूज़ कर सकते हैं पर मैं इसको मेरे टीथ वाइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहती हूँ बहुत साल पहले मैं इसको यूज़ किया करती थी 4 ईयर्स पहले और काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है इससे तो मैंने ये लिया है ये $6 का आया है और अमाउंट कितनी है इसकी ओके 2 ounce है ये फिर मैंने लिया है एक फेस मास्क आपको पता है कि मेरी जो स्किन है बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहती है तो मैंने ये कोरियन स्किन केयर का क्रीम शॉप द क्रीम शॉप ब्रांड का नाम है ये हायरालोनिक रिच ओवरनाइट मास्क लिया है जिससे आपकी स्किन हाइड्रेटेड हो जाए क्योंकि मुझे हाइड्रेटेड स्किन बहुत अच्छी लगती है और डिहाइड्रेशन मेरी स्किन की एक बहुत बड़ा कंसर्न है सो कोरियन स्किन केयर बहुत पॉपुलर है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए ये $9 की आई है और नॉर्मली ये $18 एक मैंने लिया है स्क्रब क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्क्रब्स नहीं है फेस को एक्सफोलिएट करने के लिए ज़्यादातर तो मैं मेरा क्लेयरसोनिक का मिया 2 ही यूज़ करती हूँ एक्सफोलिएट करने के लिए या फिर मैं वो यूज़ करती थी द ऑर्डिनरी का पीलिंग सोल्यूशन वो ख़त्म हो चुका है मेरे पास सो मैंने ये लिया है ये है विटामिन सी डॉट ब्यूटी ब्रांड से सी सॉल्ट एंड कोकोनट वाला फेशियल स्क्रब एंड इस पर लिखा है कि ये बैलेंस करता है स्किन को एंड सॉफ्ट करता है
और स्क्रब करता है डर्ट को अवे एंड हाइड्रेट करता है आपकी थर्स्टी स्किन को, क्योंकि कोकोनट है इसमें, एंड ब्लेमिशेस को रिड्यूस करता है. और देन मैंने लिया है एक ये मास्क जो कि है हाइड्रेटिंग मास्क विद मनुका हनी एंड क्लोशी और $7 का. मुझे लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे पास बहुत ज़्यादा मास्क नहीं, कुछ लिमिटेड ही है. मैंने एक कील से भी मास्क लिया है ये बॉक्सिंग डे पे और ओरिजिन से भी एक दो मास्क लिए हैं. मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कौन कौन से फेस मास्क यूज करती हूं, नॉट DIY बाहर वाले. एक और मास्क लिया है मैंने, तो ये है पर्ल एसेंस ब्रांड से, ये है टर्मरिक प्लस हनी मास्क. टर्मरिक आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और हनी भी, सो खुशबू तो अच्छी है. तो या मुझे मास्क लगाना बहुत मज़ेदार लगता है. पता नहीं जब आप अपने चेहरे पे मास्क लगा देना तो एक अलग सी फील आती है, लाइक सेल्फ केयर एंड आप रिजुवेनेट फील करते हैं. आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें. मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज स्टे स्ट्रांग एंड डू इट. गुड जॉब, दैट्स इट, इजी पीजी. एवरीबॉडी लेट्स डू दिस. आई एम द स्ट्रांगेस्ट. थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. Easy peasy, lemon squeezy. And remember that everybody, obey exercise and be like this. Can I exercise karo aur mere go to. Ye vigyan ne lapya. Okay dosto, bye, love you.